संगत में नंद मैट्रिक के संगत में मुख्यमंत्री आज पड़े हैं, उसी का असर मुख्यमंत्री के दिमाग पर पड़ता हुआ जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक इंजीनियर थे और जब तक वो भाजपा में थे और भाजपा के साथ थे कभी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल पूरे विधानसभा और विधान परिषद की मर्यादा को तार तार कर रख दिया है, ऐसा काला दिन अब राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं आने वाला है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सूर्यास्त का समय हो चुका है, वो मेंटली डिरेंज हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। तो ये स्वयं से अपना इन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने अब दिवालिया, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता को अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माफी से कुछ भी होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गलती से बोल गए हैं, स्लिप कर गया, स्लिप ऑफ टंग है, तो स्लिप ऑफ टंग और गलती से बोलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और तेजस्वी यादव जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना विकास पुरुष, इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा, ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होने वाला था। आप सभी के माध्यम से आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सारी हमारी महिला बहने जो बहुत ही दुखी और इस तरह के वक्तव्य, चूंकि हम लोग आधी आबादी कहे जाते हैं, पूरे हमारे सदन में 12 विधानसभा में और हमारे हाउस में 7 महिलाएं हैं, सब मिला के हम लोग 20 महिलाएं हैं, वो सारी की सारी महिलाएं अस्तब्ध है, सोच में पड़ चुकी कि किसके साथ खड़े रहे। हम लोग पुरुष वर्ग के साथ खड़े, जहां उनका सहयोग समर्थन उनका संरक्षण में हम लोग खड़े होते हैं, और जब बिहार का मुखिया ऐसी बात करेगा तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।